हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुब्रतो और आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले इस कोबरा माउस का। ये माउस रेड ड्रैगन की तरफ से है और इसका नाम कोबरा है और ये व्हाइट कलर में है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस माउस को मिड रेंज वाला बोल सकते हैं। इसका प्राइस लगभग 1500 है। मेरे पास इसका सिमिलर एक वर्शन है, बट इसमें आपको ये हनीकॉम वाला डिज़ाइन मिल जाता है। तो इसका भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप यहाँ पर आई बटन में भी देख सकते हैं इसको। तो ये रहा हमारा बॉक्स। यहाँ पर सामने आपको माउस का एक सुंदर सा पिक्चर देखने मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा RGB है इसमें, और यहाँ पे लिखा गया है हाई स्पीड हाई प्रिसीजन, यहाँ पे लिखा है हाई क्वालिटी हाई टेक्नोलॉजी हाई परफॉर्मेंस हाईली कस्टमाइज्ड, बहुत सारे हाईली फीचर्स यहाँ पे मेंशनड है। लेफ्ट साइड में यहाँ पे पैकेज कंटेंट्स सिस्टम रिक्वायरमेंट्स ये सब मेंशनड है। राइट साइड इज ब्लैंक। पीछे की तरफ यहाँ पे लिखा गया है वन लाइटिंग स्विच बटन, प्रोग्रामेबल DPI एडजस्टमेंट, ग्रिप एनहांस स्क्रोल व्हील, 7 कलर ब्रीद लाइट, 2 प्रोग्रामेबल थंब बटन्स और उसके साथ 1 मोड स्विचिंग बटन। तो ये सब मेंशनड है यहाँ पे बॉक्स के पीछे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10,000 DPI मेंशनड है। सो DPI का रेंज बहुत प्यारा है इसका। फटाफट इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अभी नवंबर का महीना है, फिर भी गर्मी बहुत है। तो एनीवे नाइफ तो हमारे पास है नहीं, तो इसको ऐसे ही खोल लेते हैं। कोई हमें नाइफ स्पॉन्सर कर दो भाई, बहुत दिक्कत हो रहा है। फ्रेम में तो आ रहा है ना। सो ये है हमारा माउस, काफी ग्लॉसी है। सो बॉक्स को रखते हैं साइड में। यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंटेशन मिल जाता है, उसी के साथ एक रेड ड्रैगन का स्टिकर मिल जाता है रेड कलर का। इसको भी रखते हैं साइड। सो ये हमारा मेन माउस, फोकस ले ले भाई। यहाँ पे भी देख लो। मस्त एकदम प्लास्टिक रैपिंग में आता है ये। वायर इसका ब्रेडेड है। सो यहाँ पे आपको गोल्ड प्लेटेड मिलता है ये, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे गोल्ड प्लेटेड USB मिलता है। काफ़ी अच्छा क्वालिटी है इसका। मेरा पुराना वाला भी बहुत अच्छा चल रहा है, बट ये वाइट कलर है तो वाइट कलर ख़राब हो जाता है। ब्रेडेड केबल है माउस के लिए। ब्रेडेड केबल ठीक है, मतलब उतना अच्छा नहीं है। नॉर्मल अगर आपका प्लास्टिक वाला रहता है तो उसमें मतलब ग्लाइडिंग में थोड़ा ईजी रहता है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 2, 3 बटन है यहाँ पर, स्क्रोल व्हील कुछ ऐसा है, मतलब ये पूरा सर्कल नहीं होता है। यहाँ पर रेड ड्रैगन का लोगो मिल जाएगा आपको, और यहाँ पर और 2 आपको कस्टमाइजेबल बटन मिल जाएंगे नीचे की तरफ। यहाँ पे आपको एक प्लास्टिक का ऐसा मिल जाएगा जिससे इसमें ग्लाइडिंग में इजी होता है, और यहाँ पे हमें एक गेमिंग ग्रेड सेंसर मिल जाता है। अगर इन दोनों माउस को कंपेयर करें तो साइज़ लगभग सेम है, पूरा ही सिमिलर है एक्चुअली। बिल्ड भी पूरा सिमिलर मैं कहूँगा, खाली यहाँ पे ये हनीकॉम्ब है और ये नहीं है, और प्राइस में कुछ ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है। तो ये आपका प्रेफरेंस है, अगर आपको ये चाहिए ऐसा डिज़ाइन वाला चाहिए तो आप इसको ले सकते हैं, अगर आपको प्लेन वाला चाहिए तो आप इसको ले सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट, मेरे को ये हनीकॉम वाला पहले से बहुत प्यारा लगता था, इसीलिए मैंने इसको ले लिया। ये वाला जो माउस है ये मेरे भाई ने परचेज़ किया है, उसको एक नए माउस का ज़रूरत था। वो भी थोड़ा बहुत गेमिंग कर लेता है, तो उसके सेटअप में एक माउस का कमी था, अच्छे गेमिंग माउस का कमी था, और हम लोग तो भाई बजट वाले हैं, तो ये मिड रेंज में आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे देगा। आप इसके स्पेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो इसका जो ब्लैक वेरिएंट है वो काफ़ी सस्ता आता है, आपको 1200 रुपीज़ में मिल जाएगा, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। और जो वाइट वर्शन है अमेजोन में आपको 1600 का पड़ेगा लगभग, और रेड ड्रैगन के खुद के वेबसाइट में उसका प्राइस 1679 है अभी करेंटली। और यहाँ पे रेड ड्रैगन की वेबसाइट में एक अच्छा चीज़ है कि अनबॉक्स प्रोडक्ट भी आपको मिलते हैं बहुत ज़्यादा, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर अवेलेबल हो तो आप वो भी बाय कर सकते हैं, बिल्कुल ही नया जैसा आता है। अनबॉक्स सिर्फ नाम के लिए है, बट पूरा नया आपको प्रोडक्ट मिलता है बहुत ही चीप रेट में। तो प्रोडक्ट के पेज को हमने खोल लिया है। यहाँ पे स्पेसिफिकेशन जो मैंशनड है 5 DPI ऑप्शन एंड कस्टमाइज फंक्शन। यहाँ पे आपको 5 adjustable DPI ऑप्शन मिल जाते हैं, मतलब ये बटन यहाँ पे प्रेस करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। 7 प्रोग्रामेबल बटन जैसे मैंने आपको दिखाया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये 7 बटन्स हो गए। प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर आपको मिल जाता है इसके साथ, कंफर्ट एंड प्रेसिजन एट योर हैंड्स। यहाँ पे लिखा गया DPI सेटिंग 500,000, 2000, 3000, 5000, क्विकली एडजस्टेबल फॉर डिफरेंट गेमिंग सिनेरियोस, 5000 FPS, 100 IPS मैक्सिमम ट्रैकिंग स्पीड, 20G एक्सेलरेशन, बहुत स्पेक्स मेंशनड है यहाँ पे। सो इस माउस में हमें जो सेंसर मिलता है वो 3325 ऑप्टिकल सेंसर है,
अच्छा सेंसर है, मतलब ये बजट के सेगमेंट में बहुत ही अच्छा सेंसर मैं कहूँगा। और मेरा भी माउस अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ही अच्छे से काम करता है, गेमिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो आप इसको ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं अगर आप एक मिड रेंज में माउस ढूंढ रहे हैं जो कि RGB हो। और मैं आपको इसका RGB इफेक्ट भी दिखा देता हूँ। सो ये है इसका RGB इफेक्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी कूल लगता है। सो दोस्तों ये है Redragon का सॉफ्टवेयर जहाँ से आप माउस को ट्विक कर सकते हैं। माउस का जो लाइटिंग है DPI है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। और जो एक्स्ट्रा कीज मिलते हैं आपको उसको आप फंक्शन कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे लाइटिंग में आप देख सकते हैं इफेक्ट के अंडर में ब्रीदिंग, रेनबो, फुल लाइटेड, वेव, गो विदाउट ट्रेस और भी दो तीन है। और यहाँ पे आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं तो ये इफेक्ट आपको रियल टाइम शो होता है। यहाँ पे ब्राइटनेस और स्पीड भी आप चेंज कर सकते हैं। कस्टमाइज के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे आप बटन्स के फंक्शंस को सेट कर सकते हैं। DPI के अंडर यहाँ पे हम लोग को 5 DPI सेटिंग्स मिल जाते हैं। सो आप बटन के थ्रू 5 बार DPI को चेंज कर सकते हैं अपने कस्टमाइज्ड सेटिंग्स में। और मैक्रो में जो है आप एक्शन सेट कर सकते हैं कौन से बटन से क्या होगा। तो ये ऐप बहुत ही यूजफुल है, अगर आपको भी डाउनलोड करना है तो नीचे मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो ये था इस Redragon माउस का अनबॉक्सिंग और इनिशियल इंप्रेशन। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।